जोधपुर बेला यहाँ जो औरतें गीत गा रही हैं, ये लोग किसी शादी की रस्में नहीं निभा रहे हैं और ना ही किसी पर्व त्योहार पे ये गीत गाए जा रहे हैं, बल्कि ये गीत गाने के पीछे अंधविश्वास है। अंधविश्वास ऐसा कि ये लोग एक जहरीले नाग को दूध पिला रहे हैं। आस्था के नाम पर जहरीले कोबरे से खिलवाड़ करते हुए ये लोग कोबरे के साथ साथ अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला कटिहार की मनिहारी प्रखंड अंतर्गत दिलदारपुर पंचायत का है, जहां हरी चौक के निकट उमानाथ पांडे के बगीचे में बीते 15 दिनों से एक जहरीला नाग एक ही जगह रह रहा है। ग्रामीण इसे आस्था से जोड़कर जहरीले कोबरे को देखने हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा जहरीले कोबरे को दूध एवं लावा भोजन के रूप में चढ़ाया जा रहा है। आस्था से जुड़े अंधविश्वास के कारण लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ ही नाग को देवता मानकर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। महिलाएं नाग देवता को बिहुला का रूप मानकर मंगल गीत गायन कर रही है। लोग जा रहे नाग को हाथों से स्पर्श कर प्रणाम कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार 15 दिन पूर्व बिसहरी स्थान में जहरीले सांप को देखा गया था। ग्रामीणों के द्वारा उठाकर बगीचे में रख दिया गया, मगर जहरीला नाग 15 दिनों से उसी स्थान पर पड़े होने के कारण ग्रामीण इसे आस्था से जोड़कर देखने लगे। यहाँ सर आए तो मामला देखे कि नाग देखे तो यहाँ का आदमी मोहल्ला का आदमी हम लोग नाग को मानते हैं और बच्चे लोग भी आते हैं बड़े लोग भी आते हैं तो जैसे हम लोग अभी छू रहे हैं हम लोग कुछ नहीं जानते हैं इसके लेकिन उसको मानते हैं तो भगवान के तरह मानते हैं। नहीं तो यही है कि महाकाल है कि इससे सब कुछ डरता है मैं दुनिया डरता है हम लोग तो भगे क्या बुझे इसको ये कब से देख रहे हैं इसको तो सर आदमी बोले भाई बंधु की 20-25 दिन से है लेकिन हम कल जब पटना से आए तो देखे कि ऐसे बात हाथ उठ धरे तो देखे ये कि कोई पवनधारी रूप में है तो चलो इसके लिए सब माँ बहन को बोले कि चलो गीत मंगल कुछ होना चाहिए जब इसका स्थापना है तो इसको देना है या पूजा पाठ करना है तो इसीलिए हम लोग सच्चे मन से यहाँ तक आप लोग भी जाने कि यहाँ तक ये भगवान का पूजा कर रहे हैं और जो आगे होगा देखा जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास मंडल। हमारे परिवार तो सुन के बोला देखा कि नहीं छोड़ने का सहेंगे हम आज देखने के लिए आए खास करके। तो क्या आप देख रहे हैं? देखे कि सांप जो है ब्राह्मण सांप है उजला रंग का है और चारों बगल उसी जगह में घूरता है अभी भाग नहीं रहा है भाग नहीं रहा है। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि उसका स्थान दिया जाए। कौन सा जगह है? यह मानक पांडे का बगीचा हरी चौक से पश्चिम बगल में सबदासा घाट बोला जाता है। उन्होंने उसको उठा के यहाँ रख दिया लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि यह 15 दिन से उसी स्थान पर जब भी कोई भी सांप है तुरंत 5 मिनट में 2 मिनट में भाग जाता है लेकिन उसी स्थान पर ही घूम रहा है। अच्छा बच्चा आदमी वगैरह इसको छू भी रहा है सट भी रहा है लेकिन किसी को आज तक अभी तक क्षति नहीं पहुँचा है। आस्था का बात है वैज्ञानिक युग है वैज्ञानिक नजरिए से ना आस्था के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। यह भी सोचने वाली बात है कि 15 दिन से एक ही जगह पर ही स्थिर बना हुआ है। रात में तो यहाँ कोई नहीं रहता है लेकिन रात में भी नहीं भागता उसी जगह पर मतलब रहता है। हजारों आदमी डेली 5,000-7,000 आदमी आते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि कोई भी सांप एक जगह नहीं रह सकता। दूसरी बात कि कोई भी जहरीले सांप को छूने से सांप स्वभाव के अनुसार दंश मारता है, मगर इसे हर कोई छू रहा है फिर भी किसी को दंश नहीं मारता। मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्रामीणों का मानना है कि यहां एक मंदिर का निर्माण कराया जाएगा।